कल फुलेरा दूजे भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिंगो कर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था, मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती, फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी, तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े। गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े। उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े। कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े। कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे शंकर जी के साथ, 50 बार विवाह हो चुके थे। हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी, पर 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज, जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। और एक और उपाय बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा महाराज, भाव भक्ति से ध्यान दीजिए। मान लो व्यापार व्यवसाय अधिक नहीं चल रहा हो और बहुत हताश हो गए हो, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, तो कल फुलेरा दूज है, प्रयास करिएगा। बन सके तो चंदन का लेपन भगवान शंकर को करिए, पूरी तरह से जब चंदन का लेपन हो जाए, पूरी तरह से जब चंदन भगवान के श्री विग्रह पर, भगवान के शिवलिंग पर चढ़ जाए, तो हाथ की हथेली में थोड़ा सा घी लगाकर उस हथेली को शंकर के शिवलिंग पर लगा दीजिए और भगवान शंकर से हथेली लगाकर निवेदन कर कर वही हथेली को अपना व्यापार व्यवसाय के स्थान पर उसको छुआ दीजिए महाराज। 3-4 महीने के अंदर बाबा चाहेगा तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा।